हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है हमारा एस्टेट 2023 कंप्यूटर साइंस के लिए ये हमारा सेशन है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये 10 सितंबर 2023 का है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। 10 सितंबर 2023 का है, आप लोगों का एग्जाम दोस्तों 12 सितंबर को है। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिए, परीक्षा से पहले आप लोगों का एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। क्वेश्चन है, इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन आएगा उसका आंसर बताते जाएंगे, क्योंकि उतना समय नहीं है आप लोग के पास भी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर फॉर कैलकुलेशंस। क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर है जो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए प्रोग्राम, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी ग्रीडी मेथड, ऑप्शन डी प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर है फॉर कैलकुलेशन, ठीक है? यानी कि एल्गोरिदम जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर है फॉर कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूस्कल एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन विच मेथड। पूछ रहा है क्रूस्कल एल्गोरिदम जो है किस मेथड पर बेस्ड है। ऑप्शन ए डिवाइड एंड कंकर मेथड, ऑप्शन बी ग्रीडी मेथड, ऑप्शन सी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऑप्शन डी ब्रांच एंड बाउंड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीडी मेथड, यानी कि क्रूस्कल एल्गोरिदम जो है ग्रीडी मेथड पर जो है बेस्ड है। ओके, क्रूस्कल एल्गोरिदम जो है ग्रीडी मेथड पर जो है बेस्ड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिम्स एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन विच मेथड। ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन विच मेथड। पूछ रहा है ये जो प्रिम्स एल्गोरिदम है वो किस मेथड पर बेस्ड है। ऑप्शन ए डिवाइड एंड कंकर मेथड, ऑप्शन बी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी ग्रीडी मेथड, ऑप्शन डी ब्रांच एंड बाउंड। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीडी मेथड, यानी कि हमारा जो प्रिम्स एल्गोरिदम है वो भी ग्रीडी मेथड पर ही बेस्ड है। ओके, हमारा जो प्रिम्स एल्गोरिदम है वो भी ग्रीडी मेथड पर ही बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ क्रूस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम इज। ठीक है, द आउटपुट ऑफ क्रूस्कल एंड प्रिम्स एल्गोरिदम इज, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिदम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए मैक्सिमम स्पेनिंग ट्री, ऑप्शन बी स्पेनिंग ट्री, ऑप्शन सी मिनिमम स्पेनिंग ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम स्पेनिंग ट्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम स्पेनिंग ट्री, यानी क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिदम का जो है आउटपुट है वो हो जाएगा मिनिमम स्पेनिंग ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, क्रूस्कल और प्रिम्स एल्गोरिदम का जो है आउटपुट हो जाएगा मिनिमम स्पेनिंग ट्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द मेथड विच स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन इफ इट फाइंड द सॉल्यूशन अदरवाइज इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है द मेथड विच स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन, वो मेथड जो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, इफ इट्स फाइंड द सॉल्यूशन, अगर उसको सॉल्यूशन मिल जाता है तब, अदरवाइज इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, अदरवाइज वो फिर से टॉप से स्टार्ट हो जाता है, उस मेथड को क्या कहते हैं। ब्रांच एंड बाउंड, ऑप्शन बी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऑप्शन सी बैक ट्रैकिंग, ऑप्शन डी डिवाइड एंड कंकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक ट्रैकिंग। ओके, बैक ट्रैकिंग है एक मेथड है विच स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन इफ इट फाइंड्स द सॉल्यूशन अदरवाइज इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड। मतलब कि बैक ट्रैकिंग एक ऐसा मेथड है जो कि स्टॉप हो जाता है, विच स्टॉप द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है अगर उसको सॉल्यूशन मिल जाता है तो, अगर उसको सॉल्यूशन नहीं मिला देन इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, नहीं तो फिर से टॉप से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बैक ट्रैकिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप प्रोसेस आर देयर टू क्रिएट ए 3D एनिमेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्टेप प्रोसेसेस आर देयर टू क्रिएट ए 3D एनिमेशन, यानी कि 3D एनिमेशन करने के लिए कितने स्टेप प्रोसेस होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देयर आर 3 स्टेप प्रोसेसेस
क्रिएट ए 3D एनिमेशन। ओके ओके फ्रेंड्स, देयर आर टोटल 3 स्टेप प्रोसेसेस व्हिच आर यूज्ड टू क्रिएट 3D एनिमेशन। देन कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज्ड टू ऐड स्पेशल डैश टू मूवीज। ओके, मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज्ड टू ऐड स्पेशल डैश टू मूवीज। ऑप्शन ए अरेंजमेंट, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी इफेक्ट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा इफेक्ट्स। यानी कि मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज्ड टू ऐड स्पेशल इफेक्ट टू मूवीज। ओके, यानी मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज्ड टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स टू मूवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पैकेजेस आर यूज्ड टू ट्रेन एंड एजुकेट पीपल वर्ल्ड ओवर। ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच पैकेजेस आर यूज्ड टू ट्रेन एंड एजुकेटेड पीपल वर्ल्ड ओवर। ऑप्शन ए एजुकेशनल, ऑप्शन बी ई लर्निंग, ऑप्शन सी ई ट्यूटोरियल, ठीक है, ऑप्शन डी ई पब्लिशिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ई लर्निंग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ई लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट मास कम्युनिकेशन मीडियम। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वाज द फर्स्ट मास कम्युनिकेशन मीडियम, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सी टेलीविजन और डी रेडियो। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर जो है पहला मास कम्युनिकेशन का मीडियम था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि न्यूज़पेपर जो है पहला मास कम्युनिकेशन का मीडियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिग्नल वेरीज कंटिन्यूअसली ओवर स्पेस एंड ऑल टाइम। ठीक है, क्वेश्चन है विच सिग्नल वेरीज कंटिन्यूअसली ओवर स्पेस एंड ऑल टाइम। ऑप्शन ए एनालॉग, ऑप्शन बी डिजिटल, ऑप्शन सी मोनोलॉग, ऑप्शन डी मल्टीलॉग। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एनालॉग, यानी कि एनालॉग सिग्नल वेरीज कंटिन्यूअसली ओवर स्पेस एंड ऑल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ विच कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ डैश कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। ऑप्शन ए डिजिट, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन सी ऑस्किलेशन, ऑप्शन डी जंप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्किलेशंस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्किलेशंस, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। ओके, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो पूछ रहा है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखते हैं क्या होगा। यह जो है ट्रू होगा, यानी कि HTML का फुल फॉर्म जो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, यानी HTML का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन हियर द साउंड इफ इट इज विद इन 22 हर्ट्ज। ठीक है, वी कैन हियर द साउंड इफ इट इज विद इन 22 हर्ट्ज। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 50,000। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 20,000, यानी कि वी कैन हियर द साउंड इफ इट इज विद इन 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में जब साउंड होता है तो हम उसे अच्छे से हियर कर पाते हैं, सुन सकते हैं। क्वेश्चन है ए डैश ट्री इज ए ट्री हैविंग टू चिल्ड्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि कोई ट्री जिसके पास दो चिल्ड्रेन है उस ट्री को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बाइनरी ट्री, ऑप्शन बी टेरिटरी ट्री, ऑप्शन सी प्राइमरी ट्री, ऑप्शन डी मोनोट्री। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी ट्री। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी ट्री। ठीक है, ए बाइनरी ट्री इज ए ट्री हैविंग टू चिल्ड्रेन। ठीक है, ए ट्री विच हैविंग टू चिल्ड्रेन इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। किसी भी टाइप में आ सकता है, यहाँ पे रहेगा कि वो कौन सा ट्री है जिसमें दो चिल्ड्रेन रहेगा, तो उसमें बोल दीजिएगा कि आंसर टिक मार देना बाइनरी ट्री होगा जिसमें दो चिल्ड्रेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया फाइल इज डिलीवर्ड टू द क्लाइंट बट नॉट शेयर्ड। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया फाइल इज डिलीवर्ड टू द क्लाइंट बट नॉट शेयर्ड। ऑप्शन ए रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव डाउनलोड,
ऑप्शन सी कॉम्प्रेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल टाइम क्वेरी, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। यानी कि रियल टाइम स्ट्रीमिंग इज ए टाइप ऑफ स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया फाइल व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू द क्लाइंट बट नॉट शेयर, ठीक है। रियल टाइम शेयरिंग में जो है वे ऐसा स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया का फाइल है जिसमें फाइल डिलीवर्ड हो जाता है क्लाइंट के पास में बट वो शेयर नहीं होता है, ठीक है। तो आप समझ गए रियल टाइम स्ट्रीमिंग क्या होता है। रियल टाइम स्ट्रीमिंग में जो है फाइल डिलीवर्ड हो जाता है क्लाइंट के पास बट वो शेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मल्टीमीडिया सिस्टम, पूछ रहा है इसमें से क्या जो है मल्टीमीडिया सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन ए हाई स्टोरेज, ऑप्शन बी हाई डाटा रेट, ऑप्शन सी बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डाटा रेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डाटा रेट, ठीक है। यानी कि बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डाटा रेट जो है मल्टीमीडिया सिस्टम का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बोथ हाई स्टोरेज एंड हाई डेटा रेट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मल्टीमीडिया सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन डेट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड, ठीक है। विच रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन डेट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड। ऑप्शन ए एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑप्शन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ऑप्शन सी मल्टीमीडिया, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया, ठीक है। मल्टीमीडिया रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन डेट इन्वॉल्व्स मोर देन वन टाइप ऑफ मीडिया सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन एंड साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी एडेड टू योर प्रेजेंटेशन एंड देन यूज टू गो टू ए वेराइटी ऑफ लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल ए वेब एड्रेस, एन ईमेल एड्रेस, ए कस्टम शो और डॉक्यूमेंट, जस्ट टू नेम ए फ्यू। ऑप्शन ए मेनू लिंक, ऑप्शन बी हाइपर लिंक, ऑप्शन सी टू लिंक, ऑप्शन सी स्लाइड लिंक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हाइपर लिंक, ओके। ये जो है हमारा क्वेश्चन मल्टीमीडिया सेक्शन से है, जो कि मल्टीमीडिया भी आपके एस्टेट के सिलेबस में ही है, ठीक है। तो ये भी सेक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। हाइपर लिंक कैन बी, ठीक है, ये हो जाएगा हाइपर लिंक कैन बी एडेड टू योर प्रेजेंटेशन एंड देन यूज टू गो टू ए वेराइटी ऑफ लोकेशन। यानी कि हाइपर लिंक्स जो है हमारे प्रेजेंटेशन में एड होगा और उसके थ्रू जो है हम लोग वेराइटी ऑफ लोकेशन पे जा सकते हैं, जैसे कि वेब एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, कस्टम शो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, ओके, जस्ट टू नेम ए फ्यू या फिर ETC। ये सभी के सभी जो है हम लोग हाइपर लिंक के थ्रू इस पे जा सकते हैं जब हाइपर लिंक हमारे प्रेजेंटेशन में एड होगा उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ, वीडियो जो है कंसिस्ट ऑफ किस चीज का सीक्वेंस होता है। ऑप्शन ए फ्रेम्स का, ऑप्शन बी सिग्नल्स का, ऑप्शन सी पैकेट्स का, ऑप्शन डी स्लॉट्स का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम्स, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेम्स। यानी कि ए वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, ओके, ए वीडियो कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP client accesses web server by using the send message, get message, auto receive message, none. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है HTTP client accesses web server by using the send message, get message, auto receive message या फिर none. तो इसका आंसर हो जाएगा गेट मैसेज, यानी कि HTTP क्लाइंट एक्सेस वेब सर्वर बाय यूजिंग द गेट मैसेज, ठीक है। HTTP क्लाइंट जो है वो वेब सर्वर को एक्सेस करता है गेट मैसेज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड ए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इज कॉल्ड, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम इज कॉल्ड। यानी कि इनक्रिप्शन एल्गोरिदम और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, साइपर टेक्स्ट कहते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट कहते हैं, शिफ्ट साइपर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साइपर, यानी साइपर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है। यानी कि साइपर ये जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनक्रिप्शन एल्गोरिदम एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, ठीक है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का जो है हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं। ऑप्शन ए टू कंट्रोल स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर्स, ऑप्शन बी फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग मीडिया सेशंस बिटवीन इंड पॉइंट्स, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड रियल टाइम कंट्रोल ऑफ ए प्लेबैक ऑफ मीडिया फाइल्स फ्रॉम द सर्वर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी के सभी जो ऑप्शन थे इस सभी में रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या था। टू कंट्रोल स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर, स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर को कंट्रोल करने के लिए रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और जो है फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग मीडिया सेशन बिटवीन इन पॉइंट्स, ठीक है, फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड कंट्रोलिंग यानी मीडिया सेशन को जो है एस्टेब्लिश कंट्री के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग रियल टाइम का यूज करते हैं, रियल टाइम से भी स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का। और जो है टू प्रोवाइड ए रियल टाइम कंट्रोल ऑफ प्लेबैक ऑफ मीडिया फाइल्स फ्रॉम द सर्वर, और जो है रियल टाइम कंट्रोल करने के लिए जो है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिले डेट अकर ड्यूरिंग द प्लेबैक इज, यानी कि प्लेबैक के टाइम में जो डिले होता है उस डिले को क्या कहते हैं, स्ट्रीम डिले, प्लेबैक डिले, जिटर या फिर इवेंट डिले। तो इसका आंसर हो जाएगा जिटर, यानी कि द डिले डेट अकर ड्यूरिंग द प्लेबैक इज कॉल्ड जिटर, यानी कि द डिले डेट अकर ड्यूरिंग द प्लेबैक इज कॉल्ड जिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी गेट विच इंप्रेशन इफ फ्रेम्स आर डिस्प्लेड ऑन एन स्क्रीन फास्ट इनफ, ठीक है, वी गेट विच इंप्रेशन इफ फ्रेम्स आर डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन फास्ट इनफ। ऑप्शन ए बिट्स, ऑप्शन बी सिग्नल्स, ऑप्शन सी मोशंस, ऑप्शन डी पैकेट्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोशंस। ठीक है, वी गेट विच इंप्रेशन इफ फ्रेम्स आर डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन फास्ट इनफ, तो इसका आंसर हो जाएगा मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP एस्टेब्लिशिंग सेशन रिक्वायर्स थ्री वे ऑफ हैंडशेक, पोर्ट्स, सिस्टम, प्रोटोकॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडशेक। ओके, इन सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल SIP एस्टेब्लिशिंग सेशन रिक्वायर्स थ्री वे ऑफ हैंडशेक। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल जो है 50 क्वेश्चंस था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इससे पहले हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अपलोड है। और ये जो है बाकी का 25 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। ठीक है, आगे भी हम एक डिस्कशन लेके आएंगे। अगर आप लोग को पार्ट वन का वीडियो नहीं दिख पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू का दोनों का जो है एक साथ वीडियो हम लोग इसी चैनल पे लाएंगे, वो भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। साथ में BPSC टीचर का भी क्लास हमारे चैनल पे स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं सेशन को इन करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।